सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। जो लोग थ्योरी का पार्ट टू के बारे में कमेंट बॉक्स में पूछने वाले हैं कि वो कब आ रहा है, तो भाई एक चीज जान लो, उस पे काम चल रहा है और मैं उस वीडियो को बहुत अच्छा बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि वहां पर प्लॉट होल के नाम पे कोई आकर के उठा ना दे कि भाई तूने यहाँ पर गलती कर दिया। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर वो वीडियो जरूर तुम्हें पसंद आएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो यार, जैसे कि तुम सबने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज हम बग्गी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि ये बस मेरी एक कल्पना है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से इस वीडियो को सीरियसली मत लेना, जिस वजह से बग्गी को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अब यार देखो, जब भी हमें वन पीस में बग्गी दिखाया जाता है, वो हमेशा नौटंकी करता रहता है। पर क्या सच में बग्गी एक वीक कैरेक्टर है, जैसे कि हमें अभी तक वन पीस में दिखाया गया है? बिकॉज हमें पता है वो पहले कहां रहता था, किसके क्रू में था। भाई वो गोल्डी रॉजर पायरेट किंग के क्रू में था, और इस चीज का ध्यान हमें तब खींचा गया जब हरामी ने आकर के इस वीडियो का आइडिया दिया। और फिर हम दोनों ने बहुत ज्यादा सोचा, और वहां पर एक और पॉइंट भी निकला कि जब रॉजर और वाइट बियर्ड का क्लैश हुआ था, तो तुम सब जानते हो वहां पर कॉन्करर हाकी किस लेवल पे यूज किया गया था। भाई बादल पूरा हट गया था। ऐसे जब नॉर्मल या उनको क्लैश होता है तो बादल फटते हैं, रॉजर वाइट बियर्ड का जब क्लैश हुआ था ना, तो बादल पूरा मतलब हट गया आसमान से, पूरा ही छट गया था। साथ ही साथ जो वाइट बियर्ड का शिप था मोबी डिक, वो आधा पलट गया था। और हाँ, ओडेन तो बड़ी मुश्किल से संभल पा रहा था, वरना वो तो यार उसमें उड़ ही जाता। तो तुम समझ रहे हो इन दोनों का हाकी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और एक चीज तुम याद रखना, जब भी कॉन्करर हाकी यूज होता है, तो उसका अगल बगल अगर कोई बंदा जिसका विल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो बंदा बेहोश हो जाता है। अब तुम बोलोगे, कुछ लोग आके बोल सकते हैं, भाई गोल्डी रॉजर हाकी में मास्टर था। ऐसा भी तो हो सकता है कि बग्गी वीक है, वो ये बात जानता है, और इसी चीज को ध्यान रखते हुए उसने इस हिसाब से यूज किया कि बग्गी बेहोश ना हो। बिकॉज हमें मालूम है, रैली ने भी बहुत सारी चीजें बताई है कॉन्करर हाकी को लेकर के, कि तुम बंदे को चुन के बेहोश कर सकते हो अगर तुम इसमें प्रॉपर तरीके से मास्टर कर लो। बट यहाँ पे एक और सवाल उठ जाता है, भाई चलो मान लेते हैं कि रॉजर इस हिसाब से हाकी को यूज किया कि बग्गी बेहोश ना हो, बट सामने वाले के पास भी तो कॉन्करर हाकी है। वाइट बियर्ड ने जब यूज किया, वो थोड़ी ना देखा होगा कि बग्गी है या फिर कौन है, वो तो भाई वाइडली रिलीज किया होगा रॉजर के खिलाफ। और यहाँ पर जब इन दोनों की फाइट हुई थी, तो वहां पर याद रखना कि भाई सैंक्स और बग्गी दोनों फाइट कर रहे थे। सैंक्स का तो चलो यार समझ में आता है, बिकॉज वो स्ट्रांग विल वाला बंदा है, अभी वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है वो हमें पहले से मालूम है। बट बग्गी का क्या, बग्गी हमें नमूना जैसे दिखाया गया है, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और बग्गी ईस्ट ब्लू में ही था, लूफी ने उसे हरा दिया था, पर मेरे को ऐसा लगता है बग्गी जानबूझ के हारा था। बिकॉज उस ईस्ट ब्लू सागा में भी जरा तुम गौर करना, जब बग्गी हमें देखने को मिलता है, वहां पर उसने सैंक्स का हेड पहचान लिया था। तो शायद ये वो रीजन हो सकता है, उसने सोचा होगा कि सैंक्स ने कुछ सोच समझ के ही इसको ये हेड दिया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बग्गी अपने ट्रू पावर का यूज नहीं कर रहा, बिकॉज कि कोई जाए और रॉजर के विल को कैरी करे, जाके वन पीस को खोजे। प्लस मरीनफोर्ड आर्क तो तुम्हें याद ही होगा, वहां पर हॉकाई मी हॉक ने अपने योरू का यूज किया था। अब कुछ लोग बोलेंगे, भाई वो वहां पर तो फाइट कर रहा था ना, पर तुम मुझे एक बात बताओ, हॉकाई जैसा कैरेक्टर जो जोरो को ईस्ट ब्लू सागा में अपने लेवल का नहीं समझता था, वो उसको हराने के लिए छोटा सा नाइफ यूज किया था, वो बंदा बग्गी जैसे नमूने कैरेक्टर को हराने के लिए या फिर उसको काटने के लिए अपने योरो का यूज करेगा? भाई नहीं यार, वो मजाक सा हो जाएगा। क्या ये किसी तरह का ओडा का तरफ से हमें इशारा तो नहीं कि बग्गी वीक नहीं है, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बस वो थोड़ा बहुत नौटंकी करता रहता है, और वो जानबूझ के करता है ताकि किसी को शक ना हो इसके ऊपर। साथ ही साथ हम जरा दोबारा से रॉजर के टाइम पे चलते हैं, जब बग्गी उसके क्रू में था। सैंक्स को लेके बहुत सारी थ्योरीज बनती है कि वो जैबेक का बेटा हो सकता है, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह, बट तुम जरा बग्गी को लेकर के बोलो ना, बग्गी को लेके क्या आज तक बातें हुई हैं? बिकॉज बग्गी के बारे में कोई नहीं सोचता कि ये स्ट्रांग निकलेगा। तुम जरा गौर करो, सैंक्स एक यौनको है, और सैंक्स अपने क्रू में ऐसे वैसे नमूनों को इनवाइट नहीं करता है, बट उसने सबसे पहले बग्गी को इनवाइट किया था, पर बग्गी ने मना कर दिया, और बग्गी ने उसे ये कह के भी मना किया था कि वो अपना खुद का पायरेट क्रू बनाएगा वगैरह वगैरह। और ये एक तरह से गलत नहीं किया उसने, बिकॉज इतने टाइम तक साथ में रहने के बाद उसी दोस्त को कैप्टन बोलना अजीब सा लगता है। पर हाँ,
ये सवाल तो उठता है कि बग्गी क्या सच में वीक है। भाई मुझे नहीं लगता कि बग्गी वीक है, मुझे ऐसा लगता है वो जानबूझ करके ये सारी नौटंकी करता है ताकि कोई उसके ऊपर शक ना करे। तो देखो यार, जैसे कि तुमको सबको मालूम है सैंक्स एक योंको जितना स्ट्रांग है और वो उसके साथी था, तो हम लोग मान लेते कि ये भी सैंक्स जितना स्ट्रांग हो जाएगा। सैंक्स, हॉकाई, बग्गी ये तीनों का पावर लेवल 19-20 टाइप का रहेगा, और ये अगर सच में उतना स्ट्रांग है तो भाई बता दे रहा हूँ वॉलर सिस्टम जो बंद होने के बाद मरीन जो पकड़ने गई है ना, बग्गी उनकी कब्र खोद देगा। खैर जो कुछ भी हो, लास्ट में बस ओडा ही जानता है ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में हमें बग्गी का पावर जरा देखने को मिले कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मैं वो चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। अब तुम्हारे क्या थॉट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और तुमको अगर कुछ भी पूछना है दूसरे वीडियो से रिलेटेड तो वो भी तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।